नाइन्थ स्टैंडर्ड का बच्चा अगर कहे मुझे एग्जाम नहीं चाहिए, मुझे एग्जाम से डर लगता है, तो वो टेंथ स्टैंडर्ड में कैसे पहुंचेगा? उसी प्रकार जीवन के इन एग्जाम्स को अगर हम पास नहीं करेंगे, अगर हम ये कहें कि मुझे जीवन रूपी एग्जाम में टेस्ट नहीं चाहिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में कैसे जाएंगे? हमारी तरक्की कैसे होगी? हमारा प्रमोशन कैसे होगा? तो अगर हम अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में ऊंचाइयों की बुलंदियों को पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें फेलियर्स को चखना होगा, हमें जीवन रूपी एग्जाम्स को पास करना होगा। वी कैनॉट से कि मुझे एग्जाम नहीं चाहिए। और एग्जाम भी कैसे फेस करेंगे? रोते हुए, दुखी होते हुए? एग्जाम में अगर रो लिए, दुखी हो लिए, हताश हो गए, तो क्या हो जाएगा? हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। हम एग्जाम देने के पहले ही फेल हो चुके होंगे, पहले ही फेल हो चुके होंगे। ठीक उसी तरह जिस प्रकार रोलर कोस्टर की गाड़ी अगर नीचे गिरते वक्त उसने एनर्जी नहीं पकड़ी, मोमेंटम नहीं पकड़ा, और वह चढ़ाई के लिए सफिशिएंट ना हुआ, तो वो नेक्स्ट चढ़ाई में फिर नीचे आ जाएगी, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। सही है। तो हमें क्या करना है? हर फेलियर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, अवेयरनेस के साथ उस फेलियर का परीक्षण करना है कि मैंने कहाँ गलती की, व्हाट वर माय इम्प्रूवमेंट एरियाज, एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, ताकि अब एग्जाम आए तो उसे मैं फ्लाइंग कलर से पास कर सकूं। तो जीवन रूपी इस एग्जाम में जरूरत है फोकस्ड अटेंशन की, कॉन्सेंट्रेशन की, अपने एम का निर्धारण करके उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की। जितना निश्चय के साथ हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे, लक्ष्य के लक्षण उतने ही हम में नजर आते रहेंगे और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो अब हमें किस बात की जरूरत है? फोकस्ड अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन पावर।